के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मैं आपको न्यूज रूम लिए चलता हूँ। मेरे साथ मेरी सहयोगी पल नेहा इस वक्त जुड़ चुकी है। नेहा, सुबह 10:30 बजे ये बेहद दुखद खबर आती है मुंबई के परेल के एल्फिंस्टन रेलवे ब्रिज से। अब 2.5 घंटे का वक्त हो गया है, ताजा अपडेट हम आपको इस घटना को लेकर दे दें। रेलवे ब्रिज पर भगदड़ मची और इस जबरदस्त भगदड़ में 22 लोगों की मौत की बहुत बुरी खबर आ रही है। हो सकता है ये आंकड़ा बढ़े क्योंकि कुछ लोगों को काफी गंभीर चोटें आई है। बारिश के बीच अफवाह मचने से भगदड़ मची, 2-3 अफवाहें बताया जा रहा है कि वहां पर फैलाई गई, जिसके बाद वो बहुत संकरे फुटओवर ब्रिज पर जबरदस्त भगदड़ मच गई। हादसे के कारणों को लेकर कई थ्योरी सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि फिसलन थी बारिश की वजह से, कोई फिसल गया, पीछे के लोग रुके नहीं, कोई कह रहा है किसी को दमे का अटैक आया उस वजह से वो गिरा। मुंबई में रेलवे में भगदड़ के कारण ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ है। मुंबई रेलवे के इतिहास में कम से कम ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। और वहां मौजूद लोग गुस्से में ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब चौड़ीकरण के पुल की लगातार मांग की जाती रही तो आखिर ये अब तक किया क्यों नहीं गया? क्या किसी हादसे का रेलवे इंतजार कर रहा था? क्या क्या थ्योरीज हो सकती है जिस वजह से इतना भयंकर हादसा हुआ? देखिए, भगदड़ के समय बारिश हो रही थी वहां पर और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है फुटओवर ब्रिज पर फिसलन हो, जिस वजह से कोई फिसला हो। बहुत सारे लोग उस वक्त ब्रिज पर जमा हो गए थे। ये ब्रिज काफी पुराना है और बहुत ही संकरा है। भीड़ से लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे, एक गिरा उसके पीछे वाले लोग रुके नहीं एक दूसरे पर। जिस वजह से हादसा हुआ, अफवाह ये भी फैल गई कि ब्रिज का एक हिस्सा टूट गया है। हालांकि बाद में रेलवे ने इसका खंडन किया, लेकिन अभी तक पुष्ट तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि हादसे की वजह क्या रही होगी। फिसलन के बाद लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, इतना तो लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि बहुत ही वो नैरो संकरा ब्रिज है और उस पर लाखों की संख्या में लोगों की भीड़। दमे के अटैक से कोई गिरा ये भी कहा जा रहा है, वो गिरा उसके पीछे के लोग नहीं रुके, भगदड़ मची, उसके ऊपर चढ़ते हुए लोग आगे और एक दूसरे पर गिरते गए। अफवाह उड़ी कि शॉर्ट सर्किट भी हुआ हो सकता है और इस वजह से भी भगदड़ मची है। एल्फिंस्टन रोड उतरने वाली सीढ़ी पर यह हादसा हुआ है, परेल और एल्फिंस्टन के बीच का ये फुट ओवर ब्रिज। लोगों की जान के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है और ऐसे में लोगों की आवाज को, उनके गुस्से को आवाज देते हुए एबीपी न्यूज के ये बेहद अहम सवाल, जान की कीमत आखिर क्यों नहीं समझती हमारी सरकार? लोग पूछ रहे हैं, भरोसे के साथ आपको वोट देते हैं, आप हमारे जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, भीड़ ज्यादा होती है तो फिर आखिर इंतजाम क्यों नहीं होते? ये पुल बहुत पुराना है, वहां पर कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें लोग काम करने जाते हैं। पुल को चौड़ा करने की मांग आखिर क्यों नहीं मानी गई जब लोग लगातार इसकी बात करते रहे? क्या सरकार किसी हादसे का इंतजार कर रही थी? कितने हादसे रेलवे को लेकर होते हैं, किसी हादसे से सबक नहीं सीखती सरकार? उन हादसों की लिस्ट में एक और बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा, यस बैंक, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस इलाके में है जहां हर रोज काम करने के लिए उस फुट ओवर ब्रिज से होकर लोग गुजरते हैं। एनिमेशन के जरिए आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये बड़ी तस्वीर आप जरा देखिए, अब एनिमेशन के जरिए ये हादसा कहां हुआ है उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, एल्फिंस्टन वेस्टर्न लाइन है और परेल सेंट्रल लाइन है, इसके बीच का ये फुट ओवर ब्रिज, और आप देख रहे हैं भगदड़ मचती है तो इस संकरे फुट ओवर ब्रिज पर वेस्टर्न सेंट्रल लाइन को जोड़ने वाले पुल पर जबरदस्त भगदड़ मचती है। 22 लोगों की मौत की अब तक खबर आ चुकी है, 36 के करीब घायल बताए जा रहे हैं और ये बेहद पुराना और संकरा फुट ओवर ब्रिज है। सुबह के 10:30 बजे आज आप समझ सकते हैं आवाजाही करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मुंबई में सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन के बीच का ये पुल है, बेहद अहम पुल जो इस